Hello everyone, I am Dr. Kanishka. Welcome you all on Topper's Talk. So in this video, we will going to burst the myths about coronavirus. So as a responsible citizen, ये हमारी responsibility है कि हम facts को spread करें ना कि myths को spread करें. तो देखिए कल रात को ही जो Prime Minister नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने ये lockdown कर दिया है 21 days के लिए इंडिया के अंदर. तो अब आपके पास social media के through Instagram, Facebook, WhatsApp कुछ भी हो सकता है उसमें से आपको बहुत सारे messages आएंगे जिसमें कि ज़्यादातर myths होंगे. तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम WHO के ऑफिशियल डाटा को लेके आपके उन सारे मिथ्स को जो आप तक पहुंच चुके हैं या फिर आगे आने वाले टाइम में आपके पास आ सकते हैं उन्हें बस्ट करें, क्योंकि एज एन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें सिर्फ फैक्ट्स को स्प्रेड करना चाहिए. र्यूमर स्प्रेड करके, मिथ्स स्प्रेड करके हमें कभी भी किसी तरीके का पैनिक नहीं स्प्रेड करना है. तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं. फर्स्ट जो मिथ है वो ये है कि कोरोना वायरस जो है वो सिर्फ ओल्डर पीपल को अफेक्ट कर रहा है या फिर यंगर पीपल भी सस्सेप्टेबल है. तो देखिए जो कोरोना वायरस है वो एज सच किसी भी कैटेगरी के लिए नहीं है कि सिर्फ इसी कैटेगरी के लोग जो है यहाँ पे इफेक्ट होंगे. बस यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जितने भी ओल्डर पीपल होते हैं जिनमें कि पहले से कुछ मेडिकल कंडीशंस प्रेजेंट है, जैसे कि अस्थमा हो सकता है, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, इस तरीके की डिजीज प्रेजेंट है, तो अगर वो वायरस उनकी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो वो सीवियरली इल हो सकते हैं. बट ऐसा नहीं है कि यंगस्टर्स हैं या फिर जो बच्चे हैं उनके अंदर कोरोना वायरस नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. और एज एन यंगस्टर तो हमारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, हम बाहर ना जाएं ताकि हमारे नेबर में या फिर जो हमारे कम्युनिटी में लोग रहते हैं वो उस चीज़ से अफेक्ट ना हो. अगर बाई चांस हम डिटेक्ट भी हो जाते हैं, मतलब कि हमारे अंदर कोरोना वायरस भी मिल जाता है, तो एज एन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाइए और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए. सेकेंड मिथ जो यहाँ पे आता है वो ये है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं क्या वो प्रिवेंट करती है या फिर कोरोना वायरस को ट्रीट करती है. तो देखिए एंटीबायोटिक्स जो हैं वो कभी भी वायरसेस के अगेंस्ट वर्क नहीं करते, क्योंकि एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायोटिक्स का मतलब होता है लाइफ. तो अगेंस्ट लाइफ जो डिजीज़ होती है और यहाँ पे जो लाइफ है वो बैक्टीरिया की होती है, ना कि वायरसेस की. वायरसेस को ट्रीट करने के लिए एंटीवायरल्स को यूज़ किया जाता है. तो अगर आपके डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक्स दे भी रहे हैं तो डोंट गो एंड फाइट विद हिम, बिकॉज क्या होता है कि जब वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो लो हो जाता है. तो जब आपका इम्यून सिस्टम लो है तो जितने भी अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं आसपास आपके सराउंडिंग में उन्हें एक चांस मिल जाता है कि वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर करे और फिर और डिजीज कोस कर सके. तो अगर आपके डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं तो वो कोरोना वायरस को ट्रीट नहीं करेगी, बट अगर जो अदर बैक्टीरियाज हैं वो आपकी बॉडी के अंदर घुस सकते हैं या फिर घुस चुके हैं, ये उनको ट्रीट करेगी. तो से थैंक्स टू योर डॉक्टर. नेक्स्ट मिथ हम यहाँ पे देखते हैं कि डू वैक्सीन अगेंस्ट न्यूमोनिया प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट द न्यू कोरोना वायरस. सो अगेन आंसर इज नो. न्यूमोनिया की जो वैक्सीन है वो कोरोना वायरस को हैंडल नहीं करती है, मतलब कि उसको ट्रीट नहीं कर सकती है. हालांकि ये है कि देखिए कोरोना वायरस जो है वो भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है और जो न्यूमोनिया है वो भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है. तो कुछ ऐसे सिचुएशंस ऐसी हो सकती है कि जिसमें सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर हैं, तो जो सिम्टम्स हैं उनको थोड़ा डाउन किया जा सकता है विद यूजिंग न्यूमोनिया वैक्सीन. नेक्स्ट मिथ यहाँ पे ये है कि जो थर्मल स्कैनर्स हैं, मतलब कि जो थर्मामीटर्स आप घरों में यूज़ करते हैं या फिर हॉस्पिटल्स में जब आप जाते हैं आपको लगता है कि आपको फीवर है तो आपके फीवर को डिटेक्ट किया जाता है विद थर्मा स्कैनर्स. तो क्या कोई पर्सन कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, न्यू केस है, तो क्या उसको डिटेक्ट किया जा सकता है? तो नहीं. थर्मा स्कैनर्स जो हैं वो बेसिकली उन लोगों को डिटेक्ट करने के लिए होते हैं जिनके पास उन पर फीवर आ जाता है, मतलब कि एक जो नॉर्मल उनका बॉडी टेम्परेचर है उससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर उनका किसी भी कंडीशन की वजह से हो रहा है तो वो सिर्फ उस सिचुएशन को डिटेक्ट करेगा. हाँ, कोरोना वायरस में भी फीवर आपको आता है, पर देखिए जो फीवर आपको आ रहा है वो 10 दिन बाद आ रहा है, मतलब जब आप जो है वो सस्पेक्ट हो चुके हैं, मतलब कि आपके अंदर कोरोना वायरस एंटर हो चुका है, उसके 10 दिन बाद आपको फीवर आएगा. तो आप 10 दिन बाद उस चीज को डिटेक्ट कर रहे हैं. यहां पे न्यू केसेस के डिटेक्शन का थर्मा स्कैनर से कोई भी रिलेशन नहीं है. नेक्स्ट इज द न्यू कोरोना वायरस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू मॉस्किटो बाइट. तो ऐसा अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है, कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है जिससे कि हमें पता चल सके कि मच्छर की बाइट से अगर एक पर्सन को एक मच्छर काट रहा हो फिर वही दूसरा पर्सन को भी मच्छर जाके काट रहा है, तो क्या इससे ट्रांसमिशन हो रहा है कोरोना वायरस का? तो एज सच कोई भी नहीं है. कोरोना वायरस जो है वो एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो सिर्फ जो आपका सलाइवा है या फिर जो आपका नेजल सिक्रीशंस है उसकी ड्रॉपलेट्स के थ्रू होगा. तो एज एन बेटर सिचुएशन हैंडल करने के लिए या फिर एज एन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारा वर्क ये है कि हम एक सोशल डिस्टेंसिंग
मेंटेन रखे, 1 मीटर का गैप रखे एक पर्सन के बीच में, ताकि अगर वो स्नीज करता भी है, कफ करता भी है, तो वो ड्रॉपलेट्स आपके ऊपर ना आए और हम रेगुलरली अपने हैंड वॉश करते रहे। नेक्स्ट इज अबाउट द न्यू कोरोना वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड इन एरियाज विद हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स। तो आपने बहुत सारे मीम्स देखे होंगे सोशल मीडिया पर जिसमें ये दिखा रहे हैं कि बारिश हो रही है, ह्यूमिड टेम्परेचर हो चुका है इंडिया का, तो इसकी वजह से कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हो सकता है। तो देखिए, अभी तक WHO के ऑफिशियल डाटा से मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ कि ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं आया जिसमें ये कहा गया हो कि न्यू कोरोना वायरस जो है वो सिर्फ हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज़ में ही ट्रांसमिट हो रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि चाइना है, इंडिया है, फिर यूरोप में आप इटली में जाके देख सकते हैं, सबका जो टेम्परेचर रेंज है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो जो कोरोना वायरस है वो हर जगह ट्रांसमिट हो रहा है, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में भी इवन हो रहा है। तो यहाँ पे क्लाइमेट का कोई भी चांस नहीं है, बट फिर भी ये होता है कि आप अगर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ वायरल और बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। तो अवॉइड गोइंग आउटसाइड, आप अपने घर में ही रह के अपनी फैमिलीज़ के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट इज, आर देयर एनी स्पेसिफिक मेडिसिन टू प्रिवेंट और ट्रीट द न्यू कोरोना वायरस। तो देखिए, टिल डेट अभी तक कोई भी ऐसी स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं बनी है जो कि कोरोना वायरस को डिटेक्ट कर ट्रीट कर सकती है। तो यहाँ पर जो वायरस है वो उसके लिए बेसिकली क्या किया जाएगा कि एप्रोप्रिएट केयर करनी चाहिए उस पर्सन की जिसके अंदर सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, और अगर सीवियर इलनेस हो चुकी है कोरोना वायरस से तो ऑप्टिमाइज सपोर्टिव केयर डॉक्टर्स के थ्रू उनको दिया जाएगा। और यहाँ पे WHO जो है वो रिसर्च कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं एफर्ट्स को, ताकि एक रेंज ऑफ पार्टनर के साथ मिलकर ऐसी कोई मेडिसिन को डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट मिथ इज, सॉरी अगेन दिस कम, नेक्स्ट मिथ इज, आर हैंड ड्रायर्स इफेक्टिव इन किलिंग द न्यू कोरोना वायरस। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हैंड ड्रायर्स जो हैं वो आपको हेल्प नहीं करेंगे कि अगर आप ये समझते हैं कि आपने किसी सरफेस को टच किया और फिर आप हैंड ड्रायर के नीचे अपने हाथों को रख देते हैं कि हीट आएगी तो वायरस मर जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने हाथों से अगर वायरस को हटाना है, अगर आपने ऐसे किसी सरफेस को टच भी किया है, तो आपको सैनिटाइजर्स को यूज़ करना है, या फिर जो अल्कोहल बेस्ड हैंड रब चीज़ें आ रही हैं उनको आप यूज़ करेंगे, और साबुन के साथ और पानी के साथ अपने हाथों को फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे। और उसके बाद आप अपने हाथों को चाहे तो पेपर टॉवल से भी सुखा सकते हैं या फिर वार्म एयर ड्रायर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आप टिश्यू पेपर यूज़ करके या फिर किसी टॉवल को यूज़ कर रहे हैं तो हर दिन के बाद चाहे तो उस टिश्यू पेपर को डस्टबिन में फेंक दीजिए। टिश्यू पेपर को आपको तभी डस्टबिन में फेंकना है, और जो टॉवल है आपके पास उसको आपको डेली वॉश करना है कि उसमें कोई भी वायरस अटैच ना रह सके। नेक्स्ट इज, कैन एन अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन लैम्प किल द न्यू कोरोना वायरस। तो देखिए, जो भी ऐसे लैम्प होते हैं जिनमें कि UV रेज होती है, अगर हम उनको यूज़ करते हैं तो कोरोना वायरस मर सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आप सैनिटाइजर्स को यूज़ कीजिए, क्योंकि जो UV लैम्प्स होते हैं वो हैंड को स्टरलाइज करने के लिए नहीं होते हैं। अगर आप एक अवेयर पर्सन है तो आपको पता होगा कि जो यूवी रेडिएशन सन के थ्रू निकलती है, अगर उसका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हमारी बॉडी पे होता है तो इट विल लेड टू कैंसर, स्किन कैंसर और स्किन इरिटेशन भी हो सकती है। तो यूवी रेडिएशन से आप जितना मेंटेन कर सकते हैं डिस्टेंस उतना मेंटेन कीजिए, और इस मिथ में बिल्कुल भी मत आइएगा कि आप अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन लैंप जो है वहाँ जाके अपने अगर हाथों को सुखाते हैं तो आप वायरस को किल कर सकते हैं। नेक्स्ट मिथ इज़, कोल्ड वेदर एंड स्नो कैन नॉट किल द न्यू कोरोना वायरस। तो देखिए, ऐसा भी कोई रीज़न नहीं आया है कि कोल्ड वेदर अगर है तो उससे कोरोना वायरस मरेगा ही मरेगा या फिर नहीं मरेगा। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक साइंटिफिक चीज़ सिंपली समझाती हूँ कि जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है, चाहे वो बाहर किसी भी तरीके की कंडीशन हो, वो 36.5 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। अगर बाहर ठंड रहती है तो आपने एक सिंपल सा फिनोमिनन अपने अंदर देखा होगा कि आप कांपने लगते हैं। जब आप कांपते हैं तो आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, और जैसे ही हमारा बॉडी टेम्परेचर अगर कम होने लगता है तो वो दोबारा 37 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। और जैसे गर्मियों के दिन होते हैं तो उस टाइम आपको पसीने आते हैं, आपको स्वेटिंग होती है, तो जब आपको पसीने आते हैं और उस पर हवा लगती है तो आपको कूलिंग इफेक्ट आता है, मतलब आपको ठंडा ठंडा महसूस होता है। तो उस टाइम जो टेम्परेचर बढ़ने वाला होता है वो दोबारा घट के 37 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है। तो बाहर चाहे कैसा भी टेम्परेचर हो, हॉट हो कोल्ड हो, ये आपकी बॉडी को इफेक्ट नहीं करता है। तो दिस इज़ अ मिथ। नेक्स्ट इज इट सेफ टू रिसीव लेटर और अ पैकेज फ्रॉम चाइना। तो ये भी मीम्स आए थे कि पिज़्ज़ा मत खाओ यार, इटली से आया है वो वायरस आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर चाइना से आपके पास कोई लेटर या फिर पैकेज आ रहा है तो ये बिल्कुल सेफ है, आप उसे रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो किसी भी ऐसे लेटर या पैकेजेस के ऊपर लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं करता है। नेक्स्ट मिथ इज, डस पुटिंग ऑन सीसेम ऑयल ब्लॉक द न्यू कोरोना वायरस फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी। तो देखिए, ये कहा गया है कि जो सीसेम ऑयल होता है,
अगर आप उसको पूरी बॉडी पे लगा लेते हैं तो उससे क्या होगा कि वायरस अगर आपके सर बॉडी पे आया भी है तो वो मर जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए सिसेम ऑयल जो है उसके अंदर कुछ डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी होती हैं, पर वो जो कोविड 19 सरफेस पे अगर प्रेजेंट है तो वो नहीं मार सकता है इस चीज़ को। आइदर अगर ये देख सकते हैं आपकी जो इथेनॉल होता है या फिर जो अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो हालांकि कुछ लेवल तक ख़त्म कर सकते हैं, बट आप क्लोरीन या फिर जो अल्कोहल होता है उसको अपनी बॉडी पे नहीं लगा सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो कभी भी ऐसा कोई मिथ अगर आपके पास आ चुका है या फिर आने वाला है तो तभी की तभी उस पर्सन को जिसने आपको ये भेजा है उसे भी अवेयर कीजिए और इन बातों पर बिलीव मत कीजिए। नेक्स्ट इज कैन ईटिंग गार्लिक हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन विद द न्यू कोरोना वायरस। तो अब ये मिथ आ भी चुका होगा और आगे भी आ सकता है कि अगर आप गार्लिक को कंज्यूम करते हैं, मतलब गार्लिक खाते हैं, लहसुन जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो अगर आप उसे खाते हैं तो उसकी वजह से कोरोना वायरस जो है उसका इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर नहीं आएगा। तो ठीक है, यह गार्लिक इज एन हेल्दी फूड बट इसमें एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी होती है, बट ऐसा नहीं है कि जो गार्लिक है अगर आप उसको खाएंगे तो कोरोना वायरस जो है वो चला जाएगा, तो ऐसा यहाँ पे कोई अभी तक स्टडी में एविडेंस नहीं आया है। नेक्स्ट, कैन रेगुलरली रिंसिंग योर नोज विद सलाइन कैन हेल्प इन्फेक्शन विद द न्यू कोरोना वायरस। तो देखिए जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है तो उसमें दो तरीके के पार्ट्स होते हैं, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है। तो जो हमारा नोज़ होता है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट फॉर्म करता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर हम सलाइन से, मतलब कि स्टरलाइज वाटर है एक तरीके का, तो उससे अगर आप अपने नोज़ को बार बार क्लीन करेंगे तो उससे कोरोना वायरस जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, ऐसा कोई भी एविडेंस अब तक नहीं आया है। हाँ ये है कि अगर आपको नॉर्मल कोल्ड है, अगर आपको जुकाम है, तो उसमें अगर आप सलाइन से अपने नोज़ को बार बार क्लीन कर रहे हैं तो जो म्यूकस के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है तो वो रिमूव हो जाएगा, बट कोरोना वायरस जो है वो सलाइन से ख़त्म नहीं होगा अगर वो आपके रेस्पिरेटरी पैसेज में जा चुका है तो। नेक्स्ट फैक्ट इज द कैन स्प्रिंग एल्कोहल और क्लोरीन ऑल ओवर योर बॉडी किल द कोरोना वायरस। तो देखिए ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा मिथ है, अगर कोई आपको आके कहता है कि आप क्लोरीन को या फिर अल्कोहल को, मतलब शराब जो है उसको आप अपनी बॉडी के ऊपर लगा लीजिए और जितने भी वायरसेस होंगे वो किल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। देखिए वायरस जो है वो आपकी बॉडी के ऊपर नहीं चिपका हुआ है, वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है, तो आप बाहर ऐसे हार्मफुल केमिकल्स को लगा के अपने आप को हार्म मत कीजिए। प्लीज़ इन मिथ से दूर रहिए और अगर ऐसा कोई फैला भी रहा है तो उसके अगेंस्ट ज़रूर एक्शन लीजिए, क्योंकि 21 डेज का लॉकडाउन है, इसमें हमें बाहर के कोरोना वायरस से तो बचना ही बचना है। जो ये मिथ्स हैं इनसे भी अपने आप को अंदर बचा के रखना है। नेक्स्ट और लास्ट मिथ ऑफ टुडे इज टेकिंग अ हॉट बाथ डज नॉट प्रिवेंट द न्यू कोरोना वायरस डिजीज। तो कई लोग आपको कहेंगे कि आप गर्म पानी से नहाइए, उससे कोरोना वायरस जो है वो आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखिए कोरोना, मैंने आपको जब कोल्ड टेम्परेचर का बताया था तो वो मैंने आपको यही बताया था कि आपकी बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बाहर के टेम्परेचर से फ़र्क नहीं पड़ता है। बल्कि अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे तो आप अपनी स्किन को बर्न कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये करना है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, अपने हैंड्स को फ्रिक्वेंटली वॉश कीजिए, किसी के भी ज़्यादा पास मत जाइए, 1 मीटर का डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। तो जितने भी मिथ्स थे यहाँ पे रिलेटेड उन सबको हमने बर्स्ट कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोग अवेयर हो सके। तो थैंक यू सो मच।